हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं सूरज भाकर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई WWE ट्रायआउट में क्या होता है। इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे WWE ट्रायआउट के, क्योंकि एक पार्ट में सब चीज़ें कवर नहीं हो सकती। इसके लिए आपको हर एक वीडियो साथ के साथ में मेरे देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हमको क्या क्या कवर करना है वो सुन लो। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, पहले WWE ट्रायआउट होता क्या है, दूसरा उसमें जाने के लिए करना क्या पड़ता है, तीसरा भाई पैसे कंपनी देती है या हमें खुद से खर्च करना पड़ता है, चौथा अगर वहाँ पे हम चले जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद में अगर हम वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाते तो क्या होता है, या फिर जब वहाँ पे हम चले जाते हैं तो अंदर जो होता है ट्रायआउट उसमें क्या क्या वो लोग करवाते हैं। बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में घूम रहे होंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे सबके जवाब दूंगा। आपको करना क्या है, चैनल के नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वो दबा देना है ताकि मैं आगे वाली वीडियो डालूँ ना तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन कब आएंगी, जब आप रेड कलर का बटन दबा दोगे। रेड कलर का बटन दबाते ही उसके बगल में एक बेल आ जाएगी, बेल के ऊपर क्लिक करना है और ऑल पे क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, मैं कुछ भी डालूंगा, चाहे फोटो चाहे वीडियो चाहे कुछ भी, आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप लोग वो वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि भाई WWE ट्रायआउट होता क्या है, क्या काम आता है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई कैसे उसमें पहुंचा जाता है, उसके बाद में बात करेंगे कि वहां पे पहुंचने के बाद में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आज दो टॉपिक कवर करने हैं। पहले WWE ट्रायआउट होता क्या है, उससे क्या हमारे बेनिफिट होते हैं। तो मतलब रैंडमली चलेगी वीडियो, लेकिन आप लोगों को सब चीजें समझ में आएंगी आराम से। पहली चीज बात करते हैं WWE ट्रायआउट होता क्या है, क्यों करते हैं WWE ट्रायआउट। जब WWE अपने नए रेसलर्स को हायर करता है ना, उसके लिए उसने एक प्रोसेस बना रखी है जिसका नाम है WWE ट्रायआउट। कि WWE वाले आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू होता है, चाहे वो फिजिकल लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, वो एक इंटरव्यू का ही पार्ट होता है, वो लेते हैं और आप में से जो अच्छा खेलने वाला होता है ना उसको वो लेके चले जाते हैं। बहुतों के दिमाग में ये होता है कि भाई मैं वो एकेडमी ज्वाइन कर लूँ तो वो मुझे भेज देंगे क्या, या फिर मैं दूसरी एकेडमी ज्वाइन कर लूँ या मैं बाहर कहीं चला जाऊँ तो क्या मैं WWE में जा सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। चाहे आप 10,000 रुपये लगा के ट्रेनिंग ले लो, चाहे 10 करोड़ रुपए लगा के ट्रेनिंग ले लो, अगर आप में दम नहीं है ना तो आप कहीं चले जाओ, आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके खेल में दम है ना, आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो चाहे आप कितनी ही छोटी सी एकेडमी में एडमिशन ले लो, आप आराम से चले जाओगे। दूसरी चीज़, बहुत सारों के दिमाग में ये भी रहता है कि यार WWE ट्रायआउट के लिए 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या कुछ और। हाँ, अगर आप अच्छा खेलते हो, क्योंकि देखो आपने स्टार्ट किया खेलना, आपने एक साल में सब मूव्स को सीखा, दूसरे तीसरे साल में आपने प्रोफेशनलिज्म हासिल कर लिया, मतलब क्या कि आप है ना हर एक मूव को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही सटीक तरीके से यूज करने लग गए, तो उससे क्या होता है कि आपको 2-3 साल लग जाते हैं। तो इसलिए वो 3 से 5 साल का आपके सामने बोलते हैं। अब सीधे मुद्दे पे चलते हैं कि भाई अगर मैं WWE ट्रायआउट में जाऊं तो मुझे करना क्या पड़ेगा। पहली चीज़ होती है, अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन कर रखी है तो सबसे बेस्ट है, वो एकेडमी वाले ही आपको गाइड कर देंगे कि कैसे क्या करना है। एकेडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, और अगर आप सीरियस हो अपने करियर को लेकर रेसलिंग में, तो ऊपर नंबर दे रखा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। बार बार कॉल मत करना, बार बार कॉल करने से इरिटेशन होती है। जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपसे खुद बात कर लूंगा, आप अपना मैसेज लिख के छोड़ सकते हैं। हाय हेलो मत लिखना मेरे भाई, जो आपका कमेंट है, जो आप कहना चाहते हो डायरेक्टली वो लिखना कि भाई सूरज मैं ये बात है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं इस तारीख को आने वाला हूं या इस तारीख को मैं जाना चाहता हूं, आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट रहेगी, इस तरीके से बात करो। उसके बाद में मैं रिप्लाई नहीं देता हूं ना, तब मुझे बताओ। और अगर आप मैसेज करते हो ना तो अकेले आप नहीं हो मेरे भाई, बहुत सारे क्या करते हैं 11:54 पे मैसेज किया तो उसके बाद में 11:55 पे आप रिप्लाई नहीं दे रहे, 11:56 पे भाई रिप्लाई तो दे दो, 11:57 पे ब्लॉक, क्या करूं यार। और क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा होता हूं, बार बार बीच में पिंग 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 वो नहीं होता। एक मैसेज करो, हाँ जो आप अपने बारे में बताना चाहते हो, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, एक मैसेज बहुत होता है भाई। जेन्युइन तरीके से काम करो, सबसे अच्छा होगा। उसके बाद में चलो बात करते हैं प्रोसेस क्या है WWE ट्रायआउट में पहुंचने का। पहले तो मैंने बता दिया कि अकेडमी के थ्रू, दूसरा होता है आप WWE परफॉर्मेंस सेंटर, एक लिंक है उसके ऊपर जाइए, उसके ऊपर अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए, वहां पे फॉर्म भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, आप कोई भी वो रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। वहां पे जाके बहुत सारे रेसलर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में होता क्या है, उनमें से कुछ
को सेलेक्ट किया जाता है। कुछ मतलब ये लगा लो कि यार अगर 3 लाख ने फॉर्म भर दिए तो उसमें से उनके हिसाब से जो जितने उनको सेलेक्ट करने हैं वो उतनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। वहीं पे कुछ लोग कैंसिल हो गए ना, कि पहली स्टेप आया कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन किया, वो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे डिटेल फिल की जाएंगी वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद में क्या होगा, उस फॉर्म में आपका बायोडाटा हो जाएगा कि आपकी हाइट क्या है, वजन क्या है, उसमें एक आध आपकी वीडियो हो जाएगी, आपके फोटो हो जाएंगे कि आपका लुक कैसा है, किस तरीके से आप काम करते हो, क्योंकि रेसलिंग में 50% अगर खेल है ना तो 50% एक्टिंग भी है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मेरा खेल बहुत अच्छा है लेकिन मुझे यही नहीं पता कि रिंग में मूव कैसे करना पड़ता है या रिंग में बिहेव कैसे करना पड़ता है, कोई नहीं बन सकता अच्छा रेसलर। फिर तो क्या होता है, पहली चीज आपने अप्लाई किया तो फिर क्या होगा, वहां से जो लोग सेलेक्ट होंगे ना तो उनको एक जगह पे बुलाया जाएगा, वहां पे कुछ इंटरव्यू टाइप में होगा, वहां पे आपका फिजिकल कुछ भी नहीं होगा कि जैसे भाई आप रनिंग करके दिखाओ कुछ भी करके दिखाओ, नहीं, वहां पे सिर्फ आपका फिजिकल होगा इंटरव्यू टाइप में। वहां से जो सिलेक्ट हो जाते हैं ना फिर तीसरे स्टेप में पहुंचते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में 3 दिन का आपका WWE ट्राईआउट होता है, जो मेन ट्राईआउट होता है, जिसके बाद में आप सीधा फ्लाइट में बैठने के लिए रेडी हो जाते हो। उन 3 दिनों में क्या होता है, उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, अगली वीडियो जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, वीडियो मिस मत करना। उसमें मैं आपको एक एक दिन की बताऊंगा कि अगर आप वहां पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद में दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, सेलेक्ट करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, सब चीजें बताऊंगा। और ये सब चीजें मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा, जो अभी ट्रायआउट में सिलेक्ट हुए थे ना उनसे मैंने बात की है, उन्होंने मुझे अच्छे से बताया है क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं। तो ये सब चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी अब तक मेरे ख्याल से, यूट्यूब पे तो किसी ने डाले ही नहीं होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना भाई, वीडियो मिस मत करना। नेक्स्ट वाली मैं आपको 3 दिन की प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद में फॉर्म फिल करना भी बताऊंगा, सब चीजें धीरे धीरे सिखाऊंगा। इसके अलावा ट्रायआउट से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो कमेंट डाल देना, नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपका जवाब भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।